हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर आर कुकिंग चैनल। आज हम फिर से एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हैं। यहाँ आज हम बनाने वाले हैं ढाबा स्टाइल हरी मिर्ची, एकदम स्पाइसी। तो चलो, इसके लिए मैंने एक बढ़िया सी मिर्ची लाई है मार्केट से, बड़ी बड़ी वाली। उसके बीज में निकाल रही हूँ ताकि मिर्ची तीखी ना लगे। फिर बाद में हम इसमें नमक लगाएंगे। इस तरह से पूरा नमक हमें मिर्ची में लगाना है। नमक से तीखापन भी कम हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा उतर आएगा। इस तरह सारी मिर्ची मैंने बीच में काट के, बीज निकाल के नमक इसमें भर दे रही हूँ। इस तरह से आप भी फर्स्ट स्टेप में यही करना है। फिर आगे के प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, देखिए। ये मिर्ची तो मैंने बता दी, जिसको नमक भर के साइड में रख दिया है। यहाँ कॉर्नफ्लावर लगेंगे बड़े बड़े, 3 चम्मच, चम्मच बड़ी साइज का। फिर बेसन पीट, चना दाल का पीट, कलर लगेगा ग्रीन, स्वादानुसार नमक लेंगे। भिगोने के लिए पानी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन ले लिया है मैंने, उसमें हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर का प्रपोर्शन हम ज़्यादा इसलिए ले रहे हैं ताकि कॉर्नफ्लावर का जो बाइंडिंग रहता है वो अच्छा रहता है। फिर स्वादानुसार नमक डाल लेंगे। यहाँ हम अगर खाने का यानी बेकिंग सोडा यूज़ करना है वो डाले तो अच्छा हो जाएगा टेस्ट, फूलेगी मिर्ची। फिर कलर डालेंगे, पानी से भिगो लेना है, अच्छे से मिक्स करते जाना है। कॉर्नफ्लावर बाइंडिंग पकड़ता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालने हैं, अच्छे से मिलाते जाना है। कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ जाता है, इसलिए कंटिन्यू स्टर करेंगे हम। इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी। अगर आप गाढ़ा भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यह तेल हमारा गर्म हो चुका है। फिर हम इस तरह से, बड़ी मिर्ची है इसलिए मैं चम्मच से डाल रही हूँ। फिर बाद में इस तरह से पूरी मिर्ची को अच्छे से पूरा मिक्सचर लगा लेना है। पूरी तरह भिगोकर हम इसमें ऑयल में छोड़ देंगे। ध्यान रखें गैस का फ्लेम हमें थोड़ा मीडियम रखना है, बढ़ाना नहीं है। अच्छे से बन जाएगी ये, मस्त टेक्सचर और कलर भी आ जाता है इसको ग्रीन कलर डालने से, और बहुत क्रिस्पी रहती है। सिर्फ इसे गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। तो बाकी सारी मिर्चियाँ भी हम डाल लेते हैं। मिक्सचर में अच्छे से उसके पूरा डुबो कर फिर फ्राई करेंगे हम। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी रहती है, बच्चे तो बहुत ही प्यार से मांगते हैं इसे। देखिए, फिर पलटा देंगे हम, चलाते रहना है। ज़्यादातर ढाबे पे ये मिल जाती है,
स्पाइसी फूड, एनी टाइम बना दीजिए, गर्मा गर्म, बारिश चल रही है बाहर, मस्त गर्मा गर्म भजिए के साथ, इस तरह की स्पाइसी मिर्ची भी हम खा सकते हैं। देखिए इसके आवाज से ही समझ जाता है ये कितना क्रिस्पी बन गया है। अगर ध्यान से देखें तो पूरा भर गया है मिक्सचर मस्त मिर्ची में, है ना, एकदम क्रिस्पी बन गया है। अगर हम अपनी आलू की भजिया और अदर भजिया बनाते हैं तो इस तरह का क्रिस्पी नहीं बनता है, लेकिन आप इस मेथड से करोगे तो ज़रूर क्रिस्पी बन जाएगी। देखिए मैंने बीच से तोड़ा तो भी आवाज़ आ रही है, कितना क्रिस्पी होगा। इसे हम सॉस के साथ खा सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी। तब तक के लिए बाय बाय। Please subscribe RR Cooking and press the bell icon for notification of new videos. Thank you.